हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैंड इन व्हील्स। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज आपके लिए मैंने एक अलग वीडियो लाया है। ये मेरी फ्रेंड की i20 स्पोर्ट्स मॉडल है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, मतलब इसमें टर्बोचार्ज नहीं है, ये पेट्रोल वर्जन है। और आपको तो मेरी कार पता रहेगा, जो अल्ट्रॉस डीजल है वो मेरी डीजल वर्जन है। तो गाइस, आज ये दोनों कार का साइड टू साइड कंपेरिजन होने वाला है। डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज मेरी डीजल मॉडल है, इसकी पेट्रोल मॉडल है। सो हम परफॉर्मेंस में तो वैसे कंपेरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज एक पेट्रोल एक डीजल है। सो आप नॉर्मली कंपैरिजन चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन लुक्स कैसे, तो एज यू कैन सी, जो अल्ट्रॉस है उसका जो फ्रंट है वो थोड़ा हैवी है, बल्कि है, लाइक अ मस्कुलर फ्रंट है। एंड i20 का जो फ्रंट है वो एकदम शार्प एंड लीन फ्रंट है, मतलब एकदम शार्प है। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये बहुत थिक है अल्ट्रॉस का, एंड ये पोर्शन बहुत थिन है i20 का। बिकॉज ये स्पोर्ट्स वर्जन है, इसीलिए इसमें LED लाइट्स नहीं आती है, नॉर्मल हेलोजन लाइट्स है। बट नीचे वाले जो है ये LED लाइट्स है, एंड ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, आपके फॉग लैम्प्स। एंड अल्ट्रॉस में तो आपको पता ही है, जो मेरे ऊपर के लाइट्स है वो प्रोजेक्टर है, एंड हाई बीम इज नॉर्मल लाइट्स। एंड ये मेरे DRLs एंड ये फॉग लैम्प्स। एंड i20 स्पोर्ट्स में ये DRLs है एंड ये फॉग लैम्प्स है। तो साइड प्रोफाइल देखते हैं अभी। तो एज यू कैन सी द साइड प्रोफाइल, i20 लुक्स मच शार्पर कम्पेयर टू अल्ट्रॉस। एंड यू कैन सी i20 डज हैव शार्क फिन एंटीना एज वेल। i20 की बैजिंग है, स्पोर्ट्स मॉडल है, मतलब टॉप मॉडल से दो वेरिएंट नीचे वाला। एंड यू नो माय अल्ट्रॉस XZO, जिसमें शार्क फिन एंटीना नहीं आता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो अल्ट्रॉस का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, एज यू कैन सी। एंड i20 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा दिख के नहीं आता, बिकॉज 5 mm से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट एक्चुअली वेल ड्राइविंग ऑन द रोड्स दैट डज मैटर, बिकॉज रोड्स पे जब चलाते हो तब बहुत मैटर करता है ये चीज़। ओवरऑल ये वीडियो जो होने वाला है वो एक वॉक अराउंड वीडियो होगा दोनों कार्स के बारे में। अगर मैं आपको दूर से व्यू दूँ दोनों कार्स का, तो वो सब्जेक्टिव होगा कि किसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आई डू लाइक i20 बिकॉज उसका लुक्स बहुत शार्प है कम्पेयर टू अल्ट्रॉस। अल्ट्रॉस फील्स वेरी बल्की एंड बिग एंड हैवी, एंड i20 फील्स वेरी यू नो वेरी लाइट वेट एंड वेरी ब्रिस्कली, दैट इज बहुत ऐसा फास्ट फील होती है, बिकॉज ये बहुत एक हल्की वेट की कार है। एंड ऑल्सो इंजन पावर इज वेरी गुड। एज मैंने बोला कि डायरेक्ट कंपेरिजन तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये डीजल है पेट्रोल है, बट स्टिल मैंने जस्ट वो कार ड्राइव करके देखी है, एंड उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पेट्रोल इंजन का भी। तो क्विकली एक अंदर से आपको एक व्यू देता हूँ कार का, इंटीरियर्स का। ये जो है वो मेरे अल्ट्रॉस के इंटीरियर्स है। इसमें 7 inch का टच स्क्रीन आता है, और ये टॉप मॉडल है, इसलिए इसमें ABS विथ EBD, ASP, 2 airbags और 5-star रेटिंग कार है। मेरी मैनुअल मोड है, मैनुअल कार है ये अल्ट्रॉस की इंटीरियर्स। और अभी i20 की इंटीरियर चेकआउट करते हैं। और ये i20 की इंटीरियर्स स्पोर्ट्स वेरिएंट होके भी, मतलब टॉप मॉडल से दो वेरिएंट नीचे होके भी, इसका टच स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ा है अल्ट्रॉस से। 8.5 inch का टच स्क्रीन है, एंड दैट लुक्स वेरी गुड। एंड यूज़ करने में भी वो जो टच स्क्रीन है वो ज़्यादा अच्छा है अल्ट्रॉस से, उसका टच एंड फील बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये जो वो IVT वेरिएंट है, मतलब ये ऑटोमेटिक गियर है, सो क्लच का कुछ इश्यू नहीं है। एज यू कैन सी ओनली ब्रेक पेडल एंड एक्सेलरेटर, एंड वो डेड पेडल है। ओवरऑल अंदर से भी i20 लुक्स वेरी गुड। दिस इज द प्रोफाइल फ्रॉम इनसाइड। तो ये सब कंट्रोल्स है स्टेयरिंग पे, क्रूज कंट्रोल इसमें आता नहीं बिकॉज ये टॉप वेरिएंट नहीं है, बट ये सब इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है। और ये सब अपने कॉल के कंट्रोल्स हैं, जो वॉल्यूम है मीडिया वॉल्यूम उसके कंट्रोल्स हैं। इसमें भी वॉइस असिस्टेड है ये कार, जैसे मेरी अल्ट्रॉस भी वॉइस असिस्टेड है। यहाँ पे एयरबैग्स का बैजिंग है, वहाँ पे भी एयरबैग्स है। और ये देख सकते हैं बैक व्यू कार का, काफ़ी कंफर्टेबल है i20 भी, सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्ट भी बहुत अच्छा है सीट्स का। ये एक जस्ट
एक नॉर्मल कंपैरिजन ऑफ बिल्ड क्वालिटी और ये अल्ट्रॉस का, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है ऑब्वियसली। i20 का बूट खोलते हैं हम, जस्ट अ मिनट। आई एम रियली नॉट श्योर हाउ टू ओपन दिस, तब तक मैं मेरी कार का खोल लेता हूँ बूट, जस्ट अ मिनट। ओके, मिल गया है। तो बूट साइज i20 में आता है वो 311 लीटर्स का है, एंड अल्ट्रॉस में जो आता है वो 345 लीटर्स का है। दिखने में दोनों भी बूट साइज काइंड ऑफ सिमिलर दिखते हैं, बट जब आप एक्चुअल उसमें लगेज लोड करते हो तब फ़र्क दिख के आता है। ये जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है i20 का, एंड अल्ट्रॉस का ऑन द अदर एंड देखोगे तो ये जो लोडिंग बे है उससे काफ़ी डीप है अंदर, बिकॉज ऑफ दैट वो ज़्यादा बूट स्पेस है उसमें, जैसे आप देख सकते हो। दोनों कार का बैक व्यू देख लेते हैं। दिस इज द बैक व्यू ऑफ अल्ट्रॉस, अगेन अ मस्कुलर डिज़ाइन कंपेयर टू i20 जिसका बैक व्यू थोड़ा स्पोर्टी है ज़्यादा। यहाँ पे एक रेयर डिफ्यूज़र मिलता है थोड़ा स्पोर्टी लुक के लिए एंड एयर डिफ्लेक्शन के लिए, हाई स्पीड पे इस डिफ्यूज़र का थोड़ा सा यूज़ होता है। एंड अगेन i20 का जो रेयर लुक है वो सब्जेक्टिव है, कुछ लोग को ये डिज़ाइन पसंद आता है, कुछ लोग को ये डिज़ाइन कुछ ओवर डन लगता है बिकॉज थोड़ा बहुत ज़्यादा ही एक बिजी डिज़ाइन है बैक साइड में कंपेयर टू अल्ट्रॉस। अल्ट्रॉस का डिज़ाइन थोड़ा सटल है, बट एनी वे बोथ कार स्टिल लुक वेरी गुड। एक बैक व्यू देता हूँ मैं आपको दूर से। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंपेरिजन ऑफ बोथ द कार्स। अगेन i20 में स्पोर्ट्स वर्जन से ही आपको शार्कफिन एंटीना मिलता है, जहाँ पे अल्ट्रॉस के टॉप मॉडल होते हुए भी नॉर्मल एंटीना मिलता है, विच इज़ अ वेरी शेम बिकॉज मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉप मॉडल में भी आपको ये सादा एंटीना मिलता है। एंड कमिंग अगेन टू द फ्रंट प्रोफाइल, तो दोनों कार कैसे लगती है आप मुझे बताओ कमेंट्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था और एंजॉयबल था तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल डैन इन व्हील्स एंड हिट द बेल आइकन, ऑल राइट, सो दैट आपको अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ गाइस, बंद करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड बी सेफ़।